Congratulations on the show. Like थैंक यू. जब आपको ऑफर आया, व्हाट वाज योर रिएक्शन? एंड इट वाज लाइक अ सडन डिसीजन कि नहीं मुझे करना है, तो इट इज टाइम टू थिंक अबाउट इट. नो, इफ़ आई कैन बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, जब आई थिंक सौम्या ने कहीं तो बात ये छेड़ दी थी बिनायफर के साथ कि अब वो नहीं करना चाह रही हैं अपने कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो बिनायफर ने एक जनरल मुझसे पूछा था, कई महीने हो गए उस चीज़ को, आई थिंक अराउंड अगस्त सितंबर, कि क्या लगता है तुम्हें इस शो के बारे में और अनीता भाभी का कैरेक्टर ये वो. ऐसे डायरेक्टली पूछा नहीं था कि क्या तुम ये करना चाहोगी, पर पूछा था कि क्या है, कैसा लगता है तुम्हें. हाँ अच्छा है ये वो है, और बात वहीं पे ख़त्म हो गई थी. उस चीज़ का कहीं पर तो न्यूज़ आ गया कि आई एम डूइंग अनीता भाभी, तो लोगों के कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेजेस आने लगे, ये हो गया. फिर मुझे वो न्यूज़ तब डिनाई करनी पड़ी, क्योंकि ना ही मुझे ऑफिशियली पूछा गया था, ना मैंने ऑफिशियली हाँ या ना जवाब दिया था. लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस वक्त जो मुझे एक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला था कि लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक कहीं पे भी मुझे फ्लैक नहीं मिला, कहीं पे भी मुझे ये नहीं कहा कि नहीं हम तुम्हें इमेजिन नहीं कर सकते, तुम कुछ और कर लो, ये मुझे रिएक्शन कहीं भी नहीं मिली. उस चीज़ ने एक्चुअली मुझे ज़्यादा चेतना दी कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मुझे ये कंसिडर करना चाहिए. एंड फिर बात वहीं पे फिजल हुई, क्योंकि कुछ बात आगे बात बढ़ी नहीं. फिर से मुझे बिनायफर ने जब ऑफिशियली पूछा कि नेहा क्या तुम ये रोल करना चाहोगी, तो मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं, मुझे नहीं पता मैं कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन करके देखते हैं. शो अच्छा है, सारे सह कलाकार अच्छे हैं, प्रोडक्शन हाउस जान पहचान का है, बिनायफर इज़ वेरी क्लोज. तो उसके बाद फिर मैंने इनके साथ एक टेस्ट कर लिया, फिर सब ने एक थम्सअप कर लिया, फिर मैंने भी बोला चलो. सह कलाकार सब बातों में सह कलाकार जो लगा देता था ऑर्डर द कॉन्टेक्स्ट सह कलाकार अच्छा थोड़ी सी वो हो रही है, बट आज जो मैं सुन रही हूँ तो टड़ांग वो बालाजी वाले रिएक्शन जा रहे हैं, चेतना चेतना आत्मसात. It's good, really. Sir, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि नेहा मैम ने कहा कि आपके साथ उन्होंने ऑडिशन डाउन किया था, जब आपने इनके साथ ऑडिशन डाउन किया था, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन, व्हाट वाज योर थॉट, व्हिच इज कमिंग इन योर माइंड? माय थॉट वाज दिस इज द गर्ल, दैट वाज माय थॉट. आई टोल्ड माय डायरेक्टर, आई सेड यू नो शी इज द गर्ल, ही सेड या. सो वी ऑल न्यू. पहला सीन किया, उसके बाद व्हेन आई केम आउट, ही वाज इन माय डायरेक्टर वाज सिटिंग ऑन द मॉनिटर, आई टोल्ड हिम, I said, but Shashank, you know, she's the girl. He said, yeah, I know she's. That was all. Because we knew it. Even अभी हाल ही में सौम्या जी ने भी एक पोस्ट में डाला है कि best choice है. हाँ. I mean, I have to say this one thing कि कोई negative कहीं से भी कोई आपको reaction नहीं आएगा. Everybody is positive. मतलब usually जब ऐसे change of artist होते हैं ना, तो there's a lot of speculation, there's a lot of negativity, there's a lot of lack of cooperation. ये सारी चीज़ें ना भले शायद ऊपर ही ऊपर नज़र नहीं आए, लेकिन पीछे के साइड पे बहुत ये सब चलता रहता है. बट यर राइट इन द फ्रंट एंड राइट एट द बैक, एवरीथिंग इज सो क्लीन, एवरीथिंग इज सो पॉजिटिव. एंड आई थिंक ये पॉजिटिविटी ही स्क्रीन पे आने वाली है, और कुछ भले मैं कुछ ऊपर नीचे कर जाऊँ, लेकिन ये पॉजिटिविटी है विच इज़ गोइंग टू वर्क फॉर द शो. हाँ ऑफकोर्स ना, आई मीन एक एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर को आप अपने तरफ से जब करने की कोशिश करते हैं, तो उसके अपने चैलेंजेस होते हैं. और जैसे आसिफ कह रहे हैं कि लेयर्स हैं बहुत ज़्यादा, और वो लेयर्स एक दिन में नहीं आए हैं, सौम्या ने भी एक दिन में नहीं लाए हैं, वो ओवर द मंथ्स, ओवर द ईयर्स वो आए हैं. तो वो थोड़ा एक वक्त का, यू नो, एक थोड़ा सा टाइम मुझे भी देना होगा. एंड आई एम श्योर एंड आई एम होपफुल कि ये मैं भी कर पाऊंगी. नहीं, ऐसा है कि देखिए, काफी समय से जो है मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि मतलब एक मैं जो थोड़ा सा ऐसे लंगड़ा पहिया जो है नहीं काफी समय से, क्योंकि मैं मतलब उसका कंटेंट भी, कथानक भी यही है कि मतलब वो मेरी बीवी को पसंद करते हैं, मैं उनकी बीवी को, तो एक तरह से वो बढ़ नहीं रही थी कहानी आगे, बार बार सिर्फ तीन मर्द इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे थे. तो अब मतलब मैं, आप और ये और क्या, मतलब एक दो तीन मर्द इसी नहीं, मतलब एक लेते दो मर्द और भी बहुत सारे आ जाते थे बीच में. एक बार एक सीन चल रहा था, पूरी स्टार कास्ट बैठी थी और ये अकेली लड़की थी,
बाकी 9 मुस्टंडे बैठे थे, मैंने कहा ये किस तरह का शो है यार, एक ही लड़की है बेचारी, सब सब कूदे पड़े इस पे, मैंने कहा यार किस तरह का लड़की लाओ यार, नहीं तो लेके आ जाओ बिठाओ सामने का, नहीं थी तब तक आसिफ जी से काम चला रहे थे ये लोग, ये भी बन जाते थे, ये हर दूसरे हफ्ते लड़की बनते थे, तो मुझे सखी आओ बहन चुगली करें, मैं आपको बताता हूँ इन लोगों ने इसके चक्कर में मुझे कितनी बार औरत बनाया, मैं जानता हूँ, मैं अभी तक औरत के मालूम वर्जन कितने कर चुका हूँ, 25 वर्जन कर चुका हूँ शो में, 25 डिफरेंट वर्जन ऑफ अ वुमन बताइए उसको, और पिछले 6 महीनों में तो कम से कम 10 कर चुका हूँ मैं, हम देवा मिसिंग है तो मैंने ले बना औरत इसको, तो आप तो सबसे ज्यादा खुश होंगे, बिल्कुल यार मैं साड़ी नहीं पहननी पड़ेगी यार। आप क्या कहना चाहेंगे नेहा मैम, जब आई व्हाट वाज योर फीलिंग, कितनी दोस्ती बढ़ी आप लोगों के भी, क्या कुछ बातें हुई? नहीं अभी तो बहुत, अभी तो आज शायद उनका थर्ड डे है तो बातें अभी हम करेंगे, पहले दिन हमने बातें कर ली, अब मतलब मिलना जुलना हो गया, और ये कहूँगी कि जैसे जब भी कोई न्यू कैरेक्टर आता है तो पहले तो उसको सब चीज़ों को समझने में, सेट को, लोगों को, कैरेक्टर्स को, तो बहुत ज़्यादा ऐसे हम लोग भी उनको अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, पहले वो थोड़ा सेटल हो जाएं और फिर जो है खिंचाई, वो खिंचाई और ये सब जो केमिस्ट्री है वो फिर शुरू होगी यहाँ से। नहीं नहीं वो बहुत अच्छी कलाकार हैं और उनको जहाँ से गाइडेंस मिलनी थी वो मिल चुकी है, तो बस वो अपने दिल की सुने, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि मैं भी हमेशा जो मेरा दिल कहता है वो फॉलो करती हूँ, मैं कभी दिमाग से नहीं सोचती और किसी और की नहीं सुनती, जो दिल कहता है वो करती हूँ, तो बस दिल की सुनी। मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ कंपेरिजन्स ड्रॉ ना करें, प्लीज़ एक खुले दिल से, खुले पॉइंट ऑफ व्यू से एक कलाकार को ढलने दें, मौका दें, और उस प्रोसेस को जितना सीमलेस हो सके उतना हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी वो कोऑपरेशन हमें मिले, प्लीज़ बी काइंड, दैट्स ऑल आई से, प्लीज़ बी काइंड, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।